ताजा खबर आज की ताजा खबर वेरी एक्साइटेड भुवन को हमने हमेशा बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है तो मैं शायद उस टाइम से भुवन को देख रहा हूँ शायद यूट्यूब पे 7-8 वीडियोस थे तो मुझे वो ईयर याद नहीं है बट मुझे याद है कि भुवन के 7-8 वीडियोस थे सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट कि बहुत सारे हमें भुवन को हमने देखा है कि परफॉर्म करते हुए अलग अलग कैरेक्टर्स बट ये वाला मैंने ट्रेलर भी देखा मुझे बहुत सही लगा और इट्स लाइक बहुत हटके जो भुवन करता है आई एम वेरी एक्साइटेड सबसे अच्छी बात क्या लगी ट्रेलर में अगर आपको कुछ पिक करना हो मुझे वही स्टोरी अच्छी लगी कि अभी दिल्ली का एक लड़का है जो पूरा दिल्ली का ही है और अभी वो मुंबई का एकदम मराठी लड़का जब प्ले करता है तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट कि भुवन ने एक मराठी लड़के को कैसे पुल ऑफ किया है सो एक तरफ ओटीडी का किंग है और एक तरफ ओटीडी लॉकअप का किंग है थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच इस तरह का प्यार आप दोनों को मिलता है ओटीडी में आपको ओटीडी में हम कब देख पाएंगे किस तरह के किरदार में आप खुद को पसंद करोगे दो तीन चीज़ें जब मेरे पास आई थी बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था उसका रीज़न ही ये कि
कंटेंट बहुत ज़रूरी है अच्छा होना, चाहे छोटा सा रोल हो बट कंटेंट बढ़िया हो। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ सही से कुछ आ जाए, और दो तीन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ अभी, तो 2023 में आपको सरप्राइजेस है। थोड़ा जोर से बोला ब्रो, हो गया रियलिटी यार, अभी इतना रियलिटी काफ़ी है, इतना रियलिटी मेरे हिसाब से भी काफ़ी है। अभी हम एज अ आर्टिस्ट जो हमारे स्किल्स है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुनावर, बिग बॉस पे आपने एक शायरी बनाई थी बहुत टाइम पहले, ट्विटर पे डाली थी। बिग बॉस पे मुझे याद नहीं आ रहा, साजिद खान मी टू वो एक लिखा था ट्विटर पे आपने, जोक्स डाले थे। किस तरह से आप फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? मैं बिग बॉस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो क्लिप्स और पार्ट्स वगैरह आते हैं उसमें देखते रहता हूँ थोड़ा बहुत। किसको पसंद कर रहे हो? मुझे अर्चना पसंद है, और स्टैन तो पहले से ही पसंद है, भाई है मेरा, दोस्त है, बट मुझे अर्चना अच्छी लगती है, वो उंगली बहुत करती है बट अच्छी लगती है। म्यूजिक वीडियो की बात करें, काफी ट्रेंडिंग चल रही है आपके गाने, आगे किस तरह के गाने लाने वाले हो? बहुत बाप बाप लेवल का म्यूजिक आ रहा है, और पिछले एक महीने से वही कर रहा हूँ, तो डिसअपॉइंट ना हो ऑडियंस कोई भी लेवल पे, सारी चीज़ों का ख्याल रख के बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो मैं एक आखिरी सवाल मेरा, शहनाज गिल के साथ एक तस्वीर आपने शेयर की थी, लोग चाह रहे हैं कि आप लोग के प्रोजेक्ट, आपने इस पे डिनाई किया था लास्ट टाइम मैंने पूछा, उसके बाद भी लोग चाह रहे हैं कि आप दोनों का कुछ, अगर आपके फैंस को अगर कुछ, देखो फैंस और जनता अगर जब चाहती है तो कुछ भी हो जाता है, तो क्या पता अभी। दो लाइन सुनेगा ठीक, कौड़ियों के दाम या ईमान बिकते हैं, क्या बात है, क्या बात है, हम कोरे कोरे पत्तों पे आग लिखते हैं, हम शायरों की कोई मिसाल नहीं है, हम जमीन पे बैठ के आसमान लिखते हैं। एक एक छोटा छोटा माइक, हाँ हाँ चलो, उसके बारे में, हाउ ब्लेस्ड डू यू फील
वेरी वेरी ग्रेटफुल यार, मैंने हमेशा से ये बोला है आई हैव द बेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड जिन्होंने थ्रू एवरी थिंग दे हैव सपोर्टेड अ लॉट, तो उन्हीं के भरोसे न्यू थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. Professional wise, how you are looking forward for 2023? Very excited to try new things. There's a bunch of things जो मैंने पहले कभी करे नहीं है और मुझे लगा नहीं था कि मैं करूँगी, बट इस साल वो है. जी के साथ कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री काफी लोगों किसके साथ, रोहित के साथ. Let's hope so. I would love to. I love Rohit. Thank you, brother. Thank you.